सरकारे आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारद अल्लाह की ज़ाते आला सिफात पर मेरी औलादे कुर्बान, हमें जितने भी दुनिया भर में बरेलवी मसलक पर अमल करने वाले उलमाए ज़मील तराम हैं, उनकी जूतियों को ठीक करने की सआदत अता फरमाता। कयामत तक के लिए मेरा उससे गहरा ताल्लुक है जो बरेलवी सुन्नी है। इंशाअल्लाह बस बरेलवी बन करके जिए शान से, मरे भी बरेलवी बन करके शान से, क्योंकि वो हिस्सा हमारा ही है। जब पहली मंजिल के लिए रवाना होंगे तो दोनों जहां के मालिक मुख्तार न वहाबी में, न देवबंदी, न सुलैकुल्लियों की कब्र में आएंगे। अगर आएंगे तो हम बरेलवियों की कब्र में आएंगे, है ना इंशाअल्लाह ताला। तो बरेलवी शान से बन करके मरो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस अर्ज करना चाहूंगा चंद सेकंड में ये कि मसलके आला हजरत पर सख्ती के साथ कायम रहें, कहीं भी रहें, इनफरादियत रखें, कहीं भी रहें, किसी भी महफिल में रहें, चाहे जिन लोगों के दरमियान रहें, लेकिन शर्माए मत, प्राउड फील करें कि मैं बरेलवी हूं। जैसे पूरी दुनिया में मैं अर्ज करता हूं कि मैं बरेलवी सैयद हूं। ऑन द वे अभी लखनऊ टू गोरखपुर बस्ती क्रॉस किया था, कुछ ऊंचा मुकद्दसा से उसने इत्तेफाक एक फोन, फला सैयद साहब पटना सिटी के हैं, आई डोंट केयर के वो, इंशाल्लाह उम्मीद है मेरी आवाज यहाँ से वहां तक जरूर पहुंच जाएगी। उन्होंने पूछा, और अक्सर मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझसे सवाल ये होता है, आपने कैसे ऐसी बात कह दी कि मौला अली को लेकर के पठान और खान की बात। मैंने कहा कयामत तक के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे बाद मेरी औलादें अर्ज करती रहेंगी। जो मैंने जुमला अदा किया है वही अदा करूं और इस्लाह करूं के लिए तो हमारा वक्त हम तैयार रहते हैं। ये उलमाए सबील एहतराम कदम कदम पर इस्लाह करने के लिए हाजिर है ना, तो इंशाअल्लाह मसलके आला हजरत पर सख्ती के साथ कायम रहेंगे, मजहब अहले सुन्नत पर कायम रहेंगे, वहाबी देवबंदी सुलेकुल्लियों से कोई ताल्लुक और रिश्ता नहीं रखेंगे, अपने घर में पर्दे का इहतमाम करेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छी बात है लल्ला, स्टडीज तो तालीम बहुत अच्छी बात है, लेकिन तालीम के लिए भी दायरा होना चाहिए।